कई बार कुछ खाने की चीज़ें हमारा मूड एकदम से फ्रेश कर देती हैं, मूड अच्छा हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि खाने और हमारे मूड के बीच एक अच्छा खासा रिलेशन है। अलग अलग खाने की चीज़ों का हमारे शरीर पर अलग अलग तरह असर होता है, जैसे एकदम से शुगर बढ़ जाती है या फिर एनर्जी मिलती है। वहीं कुछ खाने की चीज़ें ऐसी भी हैं जिनसे आपका मूड खराब हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, आप दुखी सा महसूस करते हैं। क्या है वो चीज़ें, बताते हैं। उससे पहले ये जान लीजिए कि खाने का आपके मूड से क्या नाता है। एक्चुअली क्या है, फूड हमारा खाना जो मुख्य आहार होता है, इसमें सभी चीजों की आवश्यकता होती है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि ये हमारे शरीर को ताकत देता है, एक तरीके से ये ऊर्जा देता है जिसे हम बोलते हैं। अब अगर ये हमें प्रॉपर मात्रा में ना मिले तो हमारे शरीर में कुछ कुछ दिक्कतें आने लगती हैं, जैसे शुगर इम्बेलेंस हो जाती है हमारी, इसकी वजह से हमें मूड स्विंग्स होने लगते हैं, हमें पैल्पिटेशन होने लगता है। हाँ, कभी कभी अगर हम प्रॉपर मात्रा में खाना ना लें, इसकी वजह से हमारा दिमाग और शरीर ठीक प्रकार से, ठीक तरीके से काम नहीं करता है। मील पैटर्न को कट कर देना, सपोज हम दिन में कम से कम 3 से 4 मील होते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, कभी कभी हम ब्रेकफास्ट स्किप करके एक ब्रंच कर लेते हैं, ये भी हमारे मूड पे इफेक्ट डालता है। हम अगर प्रॉपर फूड ग्रुप्स नहीं लेते, सपोज कि हमने कार्ब्स बिल्कुल बंद कर दी हो, शुगर्स हम बिल्कुल कट डाउन कर देते हैं, कभी कभी हम फैट बिल्कुल काट देते हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए, हमारे शरीर को हर एक चीज की पूरी मात्रा में आवश्यकता होती है, तो हमें ये सबको लेना जरूरी होता है। ज्यादा मीठा लेने से या ज्यादा मैदा की चीजें लेने से भी हमारे दिमाग पे, हमारे मूड पे असर पड़ता है। मूड के लिए हमें एक भरपूर मात्रा में खाना लेना चाहिए, जिसमें हमें अपना नाश्ता जरूर लेना चाहिए, जिसे हमें कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। शुगर थोड़ा सा कम हमें अपनी डाइट में रखना चाहिए, हमें सारे रंगीन फल सब्जियां अपनी डाइट में रखनी चाहिए, हमें प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए। अगर आप शाकाहारी हैं तो दूध से बनी हुई चीजें या सोयाबीन का कुछ ले सकते हैं, अगर आप मांसाहारी हैं तो अंडा, मुर्गी, इस तरीके की चीजें रखेंगे। आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की चीजें अपनी डाइट में रखेंगे, अगर नहीं है तो फिर सप्लीमेंट्स हमें देना होता है। प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड आपको लेना है, प्लस आपको एक पानी का इनटेक प्रॉपर मात्रा में लेना होगा, जिसे आप सिप करके पिएंगे, और एक्सरसाइज आपकी दिनचर्या का एक हिस्सा होना चाहिए। कुछ खाने की चीजें होती हैं जिनसे हमारे मूड पर बहुत बुरा असर पड़ता है। सबसे पहले जिनमें हम बोलेंगे वो है प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड, रिफाइंड मैदा और मैदा की बनी हुई चीजें, और बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें, तली हुई चीज़ें, इन सब चीज़ों का हमारे दिमाग और मूड पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, माइंड और इमोशनल ईटिंग करते हैं कि हमारा मूड ठीक नहीं है, हमने कुछ मीठा खा लिया, हमने कुछ तला हुआ खा लिया, इन सब चीज़ों से हमारी शुगर फ्लक्चुएट करती है, और जिसकी वजह से या तो हम एकदम से बहुत खुश हो जाएंगे या हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसलिए हमें हर एक चीज़ को अपनी डाइट में रख के सब चीज़ें लेनी चाहिए, हर चीज़ एक सीमित तरीके से होना चाहिए। किन चीज़ों से आपके मूड में सुधार आता है और कौन सी खाने की चीज़ें आपका मूड ख़राब करती हैं, ये आपने सुन लिया। इसके अलावा एक बात और है, केला एक ऐसा फल है जिसे खाने से आपका मूड बेहतर होता है, ट्राई करके देखिएगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए डायबिटीज़ की वजह से आपके पैरों में अल्सर क्यों हो जाता है। अगर आपको लंबे समय से डायबिटीज़ है तो आपके पैर की नसें प्रभावित हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके पैरों में ठंडा गर्म पता नहीं चलता, पैरों की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, इससे पैरों का बैलेंस ख़राब हो जाता है, पैरों पर ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, सेंसेशन महसूस ना होने की वजह से पैरों में चोट लगने पर भी आपको कुछ महसूस नहीं होता, इन्फेक्शन हो जाता है, और फिर इन्फेक्शन की वजह से चोट जख्म बन जाती है। 10-15% मरीजों में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनका जख्म भरता नहीं है। डायबिटीज़ में पैरों के तलवे कड़क हो जाते हैं, कई सारे कट्स लग जाते हैं, तलवे लाल हो जाते हैं, कभी कभी पैरों में सूजन आ जाती है, कई बार पैर फूल जाते हैं। ये डायबिटिक फुट अल्सर के लक्षण हैं। अगर इसका समय से इलाज ना किया जाए तो गैंग्रीन हो सकता है, इसलिए अगर आपको ये लक्षण महसूस हो रहे हैं और आपको डायबिटीज़ भी है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, समझे। अब आइए सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकासी हेल्थ टिप। जानिए माइग्रेन रहता है तो आपको अपनी डाइट में क्या खाना चाहिए।
अगर आपको माइग्रेन है तो अपनी डाइट में कुछ बदलाव करिए। आपके खाने का असर आपके शरीर पर भी पड़ता है, इसलिए दवाइयों के साथ साथ डाइट भी ठीक होनी चाहिए। अव्वल तो खूब सारा पानी पीजिए, साथ ही अपनी डाइट में मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ाइए। ये आपको मिलेगा डार्क चॉकलेट, नट्स, ओट्स, बाली और गेहूं में। आप बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के कैप्सूल भी ले सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। अब दी ललन टॉप ऐप पर वीडियो देखते हुए काम नहीं होंगे बंद। हमने कर दिया है प्रबंध पिक्चर इन पिक्चर के फीचर के बाद। अब चाहे चेक करें व्हाट्सएप, लिखें पोस्ट या करें फोटो अपलोड। अपडेट करें दी ललन टॉप ऐप, अब और भी बेहतर और भी आसान। सूचना समाप्त। शुक्रिया।